गाइस सो अगेन वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेब डेवलपमेंट लास्ट लेक्चर आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड के हमने लास्ट लेक्चर में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टैटिक वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट के बारे में बताया था कि वॉट इज स्टिक वेबसाइट वॉट इज डायनेमिक वेबसाइट हाउ टू डेवलप स्टेडिक वेब एप्लीकेशन ओके वॉट आर द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू डिजाइन एन स्टिक वेबसाइट और जब एक स्टेडिक वेबसाइट को हमें डायनेमिक वेबसाइट में कन्वर्ट करना है देख यहां पर आपकी लैंग्वेजेस का रोल क्या होगा यह हमारा एक लास्ट लेक्चर था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट MVC आर्किटेक्चर के बारे में है तो ना क्योंकि किसी भी वेबसाइट के डेवलपमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है MVC आर्किटेक्चर आप देखना कोई भी कंपनी जब रिक्रूटमेंट करती है तो आपसे इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगी डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट MVC आर्किटेक्चर कि आपको MVC आर्किटेक्चर पता है यहां पर हम बात करने वाले -tier, -tier, -tier के बारे में? मैं, लास्ट मैंने आपको बताया था कि लेकिन हमने हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन फिर हमें स्टडी वेबसाइट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा तो हमने उस पर ज्यादा फोकस कर लिया पर ठीक है आप कवर करते हैं इसको तो आर्किटेक्चर क्या है क्लाइंट साइट सर्वर साइट टेक्नोलॉजी क्या होती है ये सारा कॉन्सेप्ट अभी हम बात करते हैं तो आप देखिए समझने की कोशिश करना इसको बिकॉज इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओके तो आप देखिए एमवीसी का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है वॉट इज दिस एमवीसी आर्किटेक्चर इट इज कॉल्ड मॉडल व्यू कंट्रोलर मॉडल व्यू

किसी भी वेबसाइट को अगर आपको फुल्ली डायनेमिक बनाना है है ना डायनेमिक मतलब कि आपकी वेबसाइट में आपको प्रॉपरली डिजाइनिंग भी करना है आपकी वेबसाइट में आपको प्रॉपर प्रोग्रामिंग भी करना है आपकी वेबसाइट डेटा के साथ भी इंट्रैक्शन करेगी आपको डेटा बेस में भी रिकॉर्ड स्टोर करना है तो ये काम केवल एक सिंगल टेक्नोलॉजी के साथ नहीं हो सकता देर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज वू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर डेवलपिंग अ कंप्लीट वेबसाइट कि कोई भी वेबसाइट जब बनती है तो उसमें एस का भी रोल है उसमें सी का भी रोल है उसमें जावा का भी रोल है आप देखिए मैं आपको बताता हूं कि कितनी टेक्नोलॉजी कंबाइंड होती है तब जाके आपकी एक फुल्ली डायनेमिक वेबसाइट बनती है तब जाके आपको ये एमबीसी आर्किटेक्चर समझ में आएगा कि कहां पर कौन सी टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है ठीक है तो आप देखिए यदि मान लो मुझे वेबसाइट डिजाइन करनी है तो हमने बात की एस टी यदि हमें प्रोग्रामिंग क्लाइंट साइट पे करनी है देन विल गो फॉर जावा स्क्रिप्ट वैलिडेशन अगर आपको लगाने हैं ठीक है देन विल गो फॉर जावा स्क्रिप्ट अभी बात करेंगे इसके बारे में भी जावा स्क्रिप्ट क्या है बहुत डिटेल में बात करेंगे फिर बात आती है कि यदि आपको वेबसाइट में प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन करना है है ना याद है आपको मैंने आपको कहा था इनको यूज करके आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं बट वेबसाइट कैन नॉट बी डायनेमिक बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी एस जो है ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है एच में लिखा गया कोई भी कोड कंपाइल नहीं होता है तो फिर बात आई कि सर अगर मुझे इसमें प्रोग्रामिंग करना है अगर मुझे डेटा इंट्रैक्शन करना है तो फिर यहां पर हम इसके साथ ऐड करते हैं किसी न किसी एक टेक्नोलॉजी को तो दैट मे बी जावा दैट में बी पाइथॉन ठीक है एंड दैट में बी पी एच पी दैट मे बी डॉट नेट टेक्नोलॉजी या और भी मल्टीपल है ठीक ये सेकेंड पार्ट क्या आपकी वेबसाइट डेटा के साथ इंट्रैक्शन करने के लिए इनके साथ इनमें से किसी एक लैंग्वेज को यूज कर रही है बात समझ में वो कॉम्बिनेशन एच टी एम एल जावा हो सकता है वो कॉम्बिनेशन एच टीम एल सी एस एस पाइथॉन हो सकता है यदि जावा में आप वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं देन यू शुड गो फॉर जे एस पी सर्वरेट टेक्नोलॉजी यदि आप पाइथन में आप इंप्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं देन यू शुड गो फॉर डी जैंगो टेक्नोलॉजी सिमिलरली पी एच डॉट नेट ए एस पी डॉट नेट ठीक तो ये इनमें से किसी एक लैंग्वेज को यूज करके आप अपनी वेबसाइट को डेटा इंट्रैक्टिव बना सकते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई होप यू अंडरस्टैंड और ये पूरी डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है तो यदि मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो मेरी वेबसाइट डायनेमिक तो बन जाएगी लेकिन अब बात आती है कि मुझे डेटा के साथ भी इंटरेक्शन करना है मतलब जो वेबसाइट आपने डिजाइन की है जैसे ये देखो आप मैं एग्जाम्पल फॉर्म बनाता हूं मान लो ये आपका डेटा है ठीक है ये मैंने मान लो दो नंबर के एडिशन के प्रोग्राम की बात करते हैं अपन तो कि चलो मैं सिंपली एक दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूं जहां पर मैंने लिखा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये मैंने डेटा दिया ठीक है अब मैंने ओके OK के बटन पर क्लिक किया तो मैं चाहता हूं पहले यह डेटा इनमें से किसी मान लो अगर हम जावा की बात करें तो मैं चाहता हूं यह डेटा जावा तक पहुंचे क्यों तो क्योंकि जहां अभी मैं हूं वहां पर प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है मैं एच को यूज करके सीएसएस को यूज करके प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता जावा स्क्रिप्ट को भी मैं थोड़ी देर के लिए पिक्चर से हटाता हूं ठीक है क्योंकि वो एक अलग बात करेंगे फिर अपन तो ये काम करके करने के लिए ये डिजाइन करने के लिए मेरे पास एच डी है लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं कि बॉस टेन प्लस ट्वेंटी या मुझे दो नंबर में से ग्रेटर नंबर के लिए एक वेबसाइट बनानी है तो यह करने के लिए बच्चे मुझे इस पूरे डेटा को जावा को या पायथोन में से किसी एक टेक्नोलॉजी को देना पड़ेगा तो इसका मतलब है मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो रिजल्ट है मुझे वो भी पीछे डेटा में स्टोर करना है जो भी रिजल्ट है आपकी वेबसाइट का वॉट मान लो ये अभी थर्टी रिजल्ट आ रहा है मैं चाहता हूं ये डेटा मुझे पीछे डेटा में सेव करना है या आपने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है ठीक है इसका और बेस्ट एग्जाम्पल देखो आप कि चलो ये तो हमने प्रोग्रामिंग के सेंस में बात की लेकिन सपोज अगर आपने बोला कि बॉस ये मेरा यूजर आईडी है ये मेरा नाम है ये मेरी एड्रेस है ये मेरा सिटी है अब मैंने बोला कि बॉस ये डेटा प्रोग्रामिंग के लिए अवेलेबल करवाना है जावा के लिए तो आपका डेटा जावा तक पहुंच गया ठीक लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस डेटा को मुझे परमानेंटली स्टोर करना है तो थर्ड लेवल पर आपको इसको देना पड़ेगा किसको डेटाबेस को थर्ड लेवल पे रोल प्ले करता है डेटाबेस मतलब यहां से डेटा पहले टेक्नोलॉजी के पास जाएगा और फिर जावा पाइथन उसको आगे किसके पास पहुंचाएंगे डेटाबेस के साथ अब ये जो डेटाबेस है ये आपका ओरेकल हो सकता है ये डेटाबेस आपका माईस्केल हो सकता है ठीक है ये डेटाबेस आपका डीबी हो सकता है देर आर मल्टीपल डेटाबेसेस अवेलेबल तो आप समझने की कोशिश करिए एक वेबसाइट जब स्टैटिक से डायनेमिक बनती है तो केवल अकेला एसटीएमएल सीएसएस कुछ नहीं कर रहा है या केवल अकेली जावा पायथन कुछ नहीं कर रही है या अकेला केवल ओरैकल माइस्केल कुछ नहीं कर रहा है सबके अपने अपने रोल है यहां एस का अपना रोल है यहां जावा पायथन का अपना रोल है यहां डेटाबेस का अपना रोल है ठीक है अब अगर आप में से किसी ने डेटाबेस या जावा थोड़ी बहुत भी पढ़ी है पाइथन थोड़ी बहुत अगर किसी को नॉलेज है ठीक है तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा अदरवाइज अवॉइड कर देना आपको पता है ना आपने जब जावा डेटाबेस के साथ इंट्रैक्शन पढ़ा होगा तो हमने जावा में एक टेक्नोलॉजी पढ़ी है जेडीपीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी जब मैं पाइथन को डेटाबेस के साथ इंट्रैक्शन करने की बात करता हूं तो यहां पर एक टेक्नोलॉजी पीडीपीसी पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी सिमिलरली द टेक्नोलॉजी हैविंग बाय डॉट नेट एंड एनदर अनादर लैंग्वेजेस तो क्वेश्चन ये है कि बहुत डेटा पहले पहले वेबसाइट डिजाइन होगी उसके बाद उसमें प्रोग्रामिंग होगी उसके बाद वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेगी और हमेशा ध्यान रखना डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कभी भी डायरेक्टली एस नहीं करता है क्योंकि एच के पास वो पावर ही नहीं है एच टीम एल सीएसएस डोंट हैव दैट पावर दैट ही कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस एच टीम एल सीएसएस डोंट हैव दैट पावर दैट ही कैन अप्लाई द लूप न अप्लाई द इफेल्स कंडीशन इनके पास वो पावर ही नहीं है ना क्योंकि वह तो खुद ही बोल रहे हैं सर हम डिजाइनिंग टूल है हमसे क्या उम्मीद रखोगे आप कि हम प्रोग्रामिंग भी कर लें हैं हम इफेल्स e भी लगा दें आपके लिए हम लूप भी चला दें आपके लिए हम फंक्शन भी बना दें आपके लिए हम ट्रेगर भी बना दें आपके लिए ये सारा काम बच्चे एच टी एम एल सी एस से नहीं करेगा तो ये ध्यान रखो आप कि पहले वेबसाइट डिजाइन होगी ठीक है फिर डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ लैंग्वेजेस आएंगी और फिर जब बात आएगी बैकहेंड में डेटा स्टोरेज करने के लिए तो इनके साथ जुड़ेगा डेटाबेस तो इज अ मल्टीपल अब इनमें से अगर आप एक एक भी बात करो ना चलो एक सिंगल टेक्नोलॉजी एच टी एमएल डेटाबेस लाइक और तब भी आप देखो मैंने आपको बोला ना ये सारी टेक्नोलॉजी या सारे डेटाबेस आपको सीखने की जरूरत नहीं है लेकिन एक कॉम्बिनेशन भी अगर आपने सीखा तो आपको क्या क्या कवर करना है एच टी एमएल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट ठीक जावा ये है फुल स्टेक डेवलपर समझ तो में ही बात अब या तो अब इसमें पार्ट में डिवाइड हो जाओ आप बोलो सर मु काम केवल इतना है तो अपना काम करके आप जावा डेवलपर को दे दो फिर जावा डेवलपर का काम है कि वो आगे डेटाबेस के साथ इंट्रेक्शन करके आपका डेटा डेटाबेस तक रख देगा और या फिर अगर आप चाहते नहीं सर पूरा काम मुझे ही करना है पूरी सैलरी मेरे को ही लेनी है मैं ही चाहता हूं कि मैं ही डिजाइन करूं मैं ही डेवलपमेंट करूं और मैं ही डेटाबेस के साथ इंट्रेक्शन करूं तो बढ़िया है डेवलपर डेवलपर बन जाओ तो का काम समझ में आपको कि क्या क्वेश्चन exactly है आता है सर आपने बात तो कुछ और शुरू करी थी और आप पहुंच कहीं और रहे हो इस पूरी कहानी में एमवीसी का क्या रोल है इस पूरी कहानी में सर एमवीसी कहा आया अब एमवीसी आएगा बच्चे अभी तो ये केवल एम क्या है उसकी रिक्वायरमेंट मैंने अभी बात करी आपको राइट अब इस पूरी कॉन्सेप्ट में अब हम समझते हैं एम क्या है तो एग्जैक्टली exactly क्या होता है कोई भी वेबसाइट बनती है तो खिचड़ी नहीं होती है कि आपने सब एक साथ लिख दिया आपने एच भी लिख दिया आपने सी भी लिख दिया उसी में आपने जावा भी लिख दी उसी में आपने डेटाबेस भी लिख दिया आप अपनी पूरी वेबसाइट को पार्ट में डिवाइड करते हैं एक वेबसाइट मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होती है ठीक है और उस मल्टीपल पार्ट में जब वेबसाइट डिवाइड होती है तो वेबसाइट का कौन सा पार्ट किस लेवल पे इंट्रैक्शन कर रहा है ये डिसाइड होता है इस आर्किटेक्चर के थ्रू अब यह कहानी समझ में आई ना आपको कि एक वेबसाइट में एचटीएमएल का क्या रोल है जावा पाइथन का क्या रोल है और डेटाबेस का क्या रोल है यह तो समझ में आया अब इसको हम आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो आप देखो इसका आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कोशिश करना समझने की इसको आप अब... अब अगर मान लो आपने एक वेबसाइट में अब हम बात करते हैं HTML, CSS कहां रोल प्ले करती है जावा का क्या रोल है ठीक है अब सबसे पहले बात आ रही है किसी भी वेबसाइट का वो पार्ट जिसका इंट्रेक्शन यूजर से होगा एक दो मिनट जरा मैं इसको प्रॉपरली क्लीन कर लूँ, है ना जस्ट मोमेंट। तो एक वेबसाइट का वो पार्ट जिसका इंट्रैक्शन यूजर से होता है ठीक है होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट है ना अब एम की बात करते हैं अपन कि एम क्या है और एम किस तरीके से काम करता है तो आप समझिए एक वेबसाइट का वो पार्ट जो यूजर इंट्रेक्शन के लिए बनाया जाता है है ना वो पार्ट जहां पर यूजर इंट्रेक्शन करेगा यह कहलाता है वेबसाइट का व्यू पार्ट दैट इज कॉल्ड अ व्यू ये होता है व्यू व्यू मतलब आप वेबसाइट का वो पार्ट डिजाइन कर रहे हो जिसका इंटरेक्शन यूजर से होने वाला है ठीक है अब इस व्यू में कौन सी टेक्नोलॉजीज होंगी आपको अभी मैं बता के आ रहा हूं आप मुझे बताएं व्यू पार्ट मतलब आप वो पार्ट बना रहे हो जहां यूजर इंटरेक्शन करेगा यूजर अपना डेटा दे रहा है यूजर को डेटा मिलेगा ठीक है तो ये जो पार्ट है ये व्यू है अब व्यू पे काम करती है टेक्नोलॉजीज एच टी एम एल सी एस एस एच टी एमएलसीएसएस का रोल कहां पर है HTML, CSS का रोल है एक वेबसाइट वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए वेबसाइट का वो पार्ट रेडी करने के लिए जिसका इंट्रैक्शन यूजर से होने वाला है ठीक लेकिन इनका काम केवल कितना है इनका काम यह है कि सर मैंने एक वेबसाइट को डिजाइन कर दिया फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये वेबसाइट है ठीक है ये वेबसाइट मैंने डिजाइन कर दी है मैंने बॉक्सेस बना दिए ये मैंने चेक बॉक्स बना दिए रेडियो बटन आपने बना दिया ओके OK का बटन बना दिया ठीक है ये ये एक वेबसाइट को मैंने बहुत अच्छा डिजाइन कर दिया ये सारे काम मैं किसको यूज करके कर सकता हूं एस टी को तो ये पार्ट एम में क्या कहलाता है व्यू व्यू दिस इज कॉल्ड लेकिन अब इस डेटा को आगे इंट्रैक्शन करना है किसके साथ लैंग्वेज के साथ क्योंकि एस का, का काम है केवल डिजाइन करना लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि आपको फर्दर इसमें दिए गए डेटा को आगे प्रोसेस में लाना है लो फर्स्ट नेम लास्ट नेम या अपने डेटा को प्रोसेस में लाना है ठीक है तो अगर इस डेटा को आपको प्रोसेस में लाना है तो आगे फर्दर ये डेटा आपको देना पड़ेगा इनमें से किसी एक लैंग्वेज को जावा को या पाइथन को या डॉट नेट एस पी डॉट नेट या वीबी डॉट नेट कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो पी एच पी को ठीक है या वीवी डॉट नेट को कोई भी एक मैं जावा को एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं आपको ये पूरा डेटा आगे देना पड़ेगा किसी ना किसी लैंग्वेज को और ये लैंग्वेज फिर आपके डेटा पे क्या करेंगे प्रोसेसिंग करेंगे एंड दैट लैंग्वेज इज हैविंग अ कैपेबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस यदि आपको लगता है कि ये डेटा फर्दर आगे डेटाबेस के पास भी जाने वाला है क्योंकि एक बात समझना हर डेटा डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है, ये भी फैक्ट है मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास जो डेटा है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करे इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी हो सकता है आपका डेटा केवल इस लेवल से इस लेवल पे जाए और वापस आपको मिल जाए अभी बात करते हैं अपन तो आगे ये डेटा किसके पास जाता है इन टेक्नोलॉजीज के पास तो ये जो टेक्नोलॉजीज है बेटा ये कहलाती है कंट्रोलर आर डिज कंट्रोलर एमबीसी आर्किटेक्चर में टेक्नोलॉजीज जो आपके डेटा को रिसीव करती है जो डेटा के साथ इंट्रेक्शन करती है यह कहलाती है कंट्रोलर पार्ट बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग द डेटा ये डेटा की कंट्रोलिंग करती है गॉट कॉन्सेप्ट और अगर मान लो आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी है या आप जो वेबसाइट बना रहे हैं वो इस तरीके की वेबसाइट है जो आगे फर्दर डेटाबेस के साथ भी इंट्रैक्शन करेगी तो एग्जैक्टली exactly डेटाबेस के साथ इसके बाद इंटरेक्शन होता है तो यदि आपकी वेबसाइट में डेटाबेस भी पिक्चर में है तो डेटाबेस हमेशा क्या कहलाता है मॉडल डेटाबेस को बोलते हैं मॉडल मतलब आपके वेबसाइट में जो भी डेटाबेस है जहां आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं लाइक ओरकल हो सकता है वो माई स्केल हो सकता है वो आपका डी टू हो सकता है मोंगो डी हो सकता है देर आर मल्टीपल डेटा बेसिस आर अवेलेबल तो यदि आपकी वेबसाइट डेटा के साथ इंट्रैक्शन कर रहा है तो डेटा किसी भी वेबसाइट में क्या कहलाते हैं मॉडल तो बच्चे ये ध्यान से सुनना कोई भी इंटरव्यूअर आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू मीन बाय एमवीसी आर्किटेक्चर तो एमबीसी आर्किटेक्चर में हम अपनी पूरी वेबसाइट में हर टेक्नोलॉजी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इसमें किसका रोल क्या है ये वो बंदे होते हैं जो वेब डिजाइनर हैं जिनका काम है वेबसाइट को डिजाइन करना ठीक है ये वो बंदे हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं ये होते हैं वेबसाइट डेवलपर और ये होता है डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो डेटा मैनेजमेंट करता है सबके अपने अपने रोल हैं एक वेबसाइट में और आप चाहें तो आप अकेले भी सारा काम कर सकते हैं जैसा भी है आपको होता है यू विल बिकम अ फुल स्टेक डेवलपर तो आप डिजाइनिंग भी सीख लें आप व्यू लेवल पे भी काम कर लें आप कंट्रोलर लेवल पे भी काम कर लें और आप मॉडल लेवल पे भी काम कर ले. कर लें आप बिल्कुल सकते हैं बात समझ में आ रही है तो ये जो पूरा आर्किटेक्चर है है अब इसमें समझ में आता कि सर आपने बोला एमबीसी और ये तो कुछ और ही जा रहा है ठीक तो आप समझना एमबीसी आर्किटेक्चर का नाम है लेकिन इसमें फ्रंट पे व्यू है सेकेंड पे कंट्रोलर है और थर्ड पे मॉडल है मतलब एमबीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर दिस इज कॉल मॉडल मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर लेकिन शुरुआत इस तरीके से होती है फर्स्ट इज व्यू अरे वो जाना सर फुल फॉर्म तो कोई और ही अरे तो मेरे को एक चीज बताओ एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीबीएस सुना है ना एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मास्टर एंड बैचलर ऑफ सर्जरी तो लिखा तो एमबीबीएस है अब बैचलर ऑफ मास्टर और बैचलर ऑफ सर्जरी तो इसको तो बी एमबीएस होना चाहिए तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो फुल जो एब्रीवेशन है उसका फुल फॉर्म भी सीक्वेंस में शुरू होता है तो एमवीसी के साथ भी कुछ वैसा ही है कि हम तो डिजाइन करते हैं तो वेबसाइट सबसे पहला इंटरेक्शन करता है कंट्रोलर के साथ तब जब उसको अपना डेटा डेटाबेस तक पहुंचाना है या सपोज करो अपने डेटा को आगे फर्दर प्रोसेसिंग में लेके आना है बेटा एक बात समझना यहाँ पे हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका डेटा अगर कंट्रोलर के पास जाएगा तो वो डेटा के पास भी जाएगा इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है अभी मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ प्रूफ करके बताता हूँ ठीक है कि अगर आपका डेटा डेटाबेस तक जा रहा है तो वो डेटा सॉरी कंट्रोलर तक जा रहा है तो न, कोई ज़रूरी नहीं है वो डेटा तक जाए लेकिन हां अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है कि आपका डेटा मान लो यहां भी जाएगा और आगे फर्दर उसको डेटाबेस पास भी जाना है तब जाके ये पूरी एमबीसी आर्किटेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं तो यहां पर मेजरली हमें ये समझना है कि किसका क्या रोल है तो आपको समझ में आया तो अब एस टी एमएलसीएसएस हमेशा क्या बोलेंगे हम कि एमबीसी में एसटीएमएल किस लेवल पर काम करती है व्यू लेवल पर पे। वो पेज डिजाइन करती है जिसका डायरेक्टली इंट्रेक्शन यूजर से होने वाला है फिर ये डेटा आगे फर्दर डेटा बेस को सॉरी काम करती हैं प्रोग्रामिंग करने का, काम इन का होता है।, right? और फिर अगर आती है तो ये लैंग्वेजेस आगे डेटा किसको देती है डेटा को एंड दैट इज कंप्लीट दीट आर्किटेक्चर दिस इज कंप्लीटली इन एमवीसी आर्किटेक्चर जो हम बात कर रहे हैं अभी अब इस एमवीसी आर्किटेक्चर के बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है इसी के आगे अब आपको समझ में आएगा वन टायर आर्किटेक्चर टू टायर आर्किटेक्चर क्या होता है थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है और मल्टी मल्टीटायर आर्किटेक्चर क्या होता है ठीक है ये अब हमारा अब हमारा नेक्स्ट होगा आपको समझ में आएगा वन टू थ्री मल्टी टायर आर्किटेक्चर क्या है रिक्वेस्ट क्या होती है रिस्पॉन्स क्या होता है कि वेबसाइट पूरी दुनिया की किसी भी वेबसाइट को अगर आप देखोगे ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं वेबसाइट केवल दो ही काम करती है पता है आपको रिक्वेस्ट लेती है और रिस्पॉन्स देती है मतलब अगर आप अभी हम सर्वर की बात करने वाले हैं तो सर्वर के तीन ही काम होते हैं जहाँ डेटा स्टोर होता है ना अपन बोलते हैं वो सर्वर है अभी अपन अलग अलग टाइप के सर्वर की बात करेंगे वेब सर्वर क्या होता है डेटाबेस सर्वर क्या होता है वर्चुअल सर्वर क्या होता है एस सर्वर क्या होता है एफटीपी सर्वर क्या होता है आगे बहुत अभी तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है अपने को राइटिया तो केवल एक इंट्रैक्शन अभी है बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ सर्वर क्या होते हैं तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि बॉस कोई भी सर्वर और क्लाइंट जब इंट्रैक्शन करते हैं तो दो ही बात होती है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम होटल में जाते हैं हम रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको रिस्पॉन्स देता है आपने होटल में रिक्वेस्ट की भैया ये ऑर्डर है वो रिस्पॉन्स ला आपको अपना ऑर्डर फुलफिल कर देगा सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि बॉस यदि आप किसी वेबसाइट को यूज करते हैं आप रिक्वेस्ट देते हैं आपने यूजर डब्ल्यू रिक्वेस्ट दी रिस्पॉन्स आया जी की वेबसाइट ओपन हो गई लॉग इन पासवर्ड दिया रिक्वेस्ट दी रिस्पॉन्स आया इनबॉक्स ओपन हो गया मेल टाइप किया ओके okay किया रिक्वेस्ट दी मेल चला गया रिस्पॉन्स आया मैसेज सेंड आप दिमाग लगा के अगर सोचो तो वेबसाइट केवल दो काम करता है बस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और इसमें सर्वर के तीन काम होते हैं वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेस करता है रिस्पॉन्स देता है और डेटा स्टोरेज का काम भी करता है बात करेंगे इसके बारे में अपन आगे लेकिन आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड वट इज दिस एम आर्किटेक्चर ठीक है एमवीसी आर्किटेक्चर क्या है समझ में आया होगा आपको अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वन टायर टू टायर और थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होते हैं और आपको प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है शेयर करिए बॉस सब्सक्राइब करिए चैनल को लाइक पे करना है कितनी देर लगती है यार बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए तुरंत क्लिक करें ताकि आपको और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारी मिलती रहे ठीक है तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू कॉन्सेप्ट थैंक यू